राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में महाजीत सिंधिया विद्यालय के छात्र सौर्य ठाकुर का चयन हुआ है। दतिया में आयोजित प्रतियोगिता में उज्जैन संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। शतरंज एक चुनौतीपूर्ण खेल है, मगर इस खेल में उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। इसको महाजीत सिंधिया विद्यालय के छात्र सौर्य ठाकुर ने साबित कर दिखाया है। विगत 3-4 सितंबर 2019 मंदसौर में आयोजित संभाग स्तरीय शालेय शतरंज प्रतियोगिता के अंडर 14 बालक वर्ग में महाजीत सिंधिया विद्यालय के छात्र सौर्य ठाकुर ने विजय प्राप्त कर राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। उक्त जानकारी देते हुए शतरंज प्रशिक्षक सूरज भान सिंह चंदेल ने बताया कि सौर्य ठाकुर आगामी 18 से 22 सितंबर 2019 तक दतिया में आयोजित राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में उज्जैन संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। सौर्य ठाकुर की इस उपलब्धि पर परिवारजनों सहित इष्ट मित्रों ने हर्ष जताते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट। प्रतियोगिता हुई थी और कहाँ पे हुई थी आपकी ये प्रतियोगिता? संभाग स्तरीय थी, यह मंदसौर में आयोजित हुई थी। यहाँ 250 के आसपास बच्चे आए। उसमें से कितने? उसमें से हर कैटेगरी में से 5 बच्चों का हुआ अंडर 19। आप हमारा अंडर 14 हुआ जी। मुझे खेलते 2.5-3 साल हो चुके हैं। अभी तक कितने मेडल प्राप्त किए हैं? अभी 20 का आगे राउंड फिगर 20 का है। कहाँ कहाँ खेलने गए हुए? मैं मंदसौर, खाचरौद, उज्जैन, इंदौर, धार तक बहुत आनंद आता है जब खेलता हूँ। सब बहुत खुश है जी। बताएं कौन सी प्रतियोगिता आपके बच्चे द्वारा खेली गई और क्या सिलेक्शन कहाँ? यह स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतियोगिता थी, शतरंज प्रतियोगिता जी। इसने अंडर 14 वर्ग में संभाग स्तर पे जीत दर्ज की है और इसका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। लगभग कितने बच्चे वहाँ पे खेलने आए थे? उसमें से हर संभाग से 5 बच्चे इस कैटेगरी में थे। इसकी आयु वर्ग में 30 बच्चे ने प्रतिभागिता की थी। इसमें 5 बच्चों का सिलेक्शन राज्य स्तर के लिए हुआ है। अब आपको कैसा लग रहा है इसका राज्य स्तर के लिए सिलेक्शन? खुशी की बात है जी कि बालक का जो है राज्य स्तर में सिलेक्शन हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।